विकास की इमारत खड़ी करता छत्तीसगढ़, विकास की कहानी गढ़ता छत्तीसगढ़, अतुलनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ये है नवा छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में अन्नदाता के चेहरे पर खुशहाली छाई है तो आदिवासियों के हिस्से सुनहरा भविष्य आया है। युवा चहचा रहे हैं, अपना सुखद भविष्य गढ़ रहे हैं, यहां समस्याओं की सुनवाई भी है तो लोगों के हाथों में न्याय भी है। ये मुमकिन हुआ है भूपेश सरकार के एक ध्येय वाक्य से और वह है गढ़बो छत्तीसगढ़। राज्य की सत्ता में काबिज हुए भूपेश सरकार को महज 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में राज्य ने विकास के कैनवास पर एक खूबसूरत रंगीन तस्वीर उकेरी है। 6 महीने में भूपेश सरकार के फैसलों ने राज्य के हर वर्ग को छुआ है, उनकी विकास की बुनियाद को मजबूत किया है। आज हम आपको भूपेश सरकार के उन बड़े फैसलों को बताएंगे जिसने राज्य की नहीं देश में सुर्खियां बटोरी हैं। 17 दिसंबर 2018, यही वह दिन था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनी गई कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई तस्वीर को उकेरने का काम शुरू किया था। सफेद कैनवास पर खुशहाली और समृद्धि की तस्वीरें उकेरने का सिलसिला शुरू हुआ। इधर भूपेश बघेल ने शपथ ली और महज चंद घंटों के भीतर ही किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। किसानों से किया गया वादा पूरा करने यह सरकार का पहला बड़ा कदम था। किसानों को धान खरीदी के एवज में 2500 रुपए समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया। भूपेश सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई। अन्नदाता खुश हुआ तो भूपेश सरकार ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन तरक्की की दिशा में एक लंबी छलांग लगा ली। वर्ष 2018-19 में भूपेश सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 80,27,011 मीट्रिक टन धान खरीदी की। इतना ही नहीं, चुनाव पूर्व धान बेचने वाले किसानों को भी 2500 रुपए क्विंटल की दर से अंतर की राशि दी गई। सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। आज मंत्रिमंडल के बैठक में जो हमने वादे किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे प्रदेश में आम सभा लेकर उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन के भीतर में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जन घोषणा पत्र जिसके समिति घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय के सिंह जी जो मंत्रिमंडल में भी साथ हैं, जिनको एग्जीक्यूट भी करना है, जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया है, ऋण माफी के साथ साथ जो धान के समर्थन मूल्य के साथ 1,750 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपया में खरीदने की बात कही थी, तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपया क्विंटल करने का, ये दोनों फैसले हम लोग लिए। छन्नूलाल जी। हाँ सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार, मैं भूपेश बघेल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋण माफी के हम घोषणा कर रहे थे, राहुल गांधी जी बोले रही से आपके यहाँ चारामा आए रिश्ते। हाँ सर। आज आपके खाते में कुछ पैसा पहुँचीस? हाँ जी सर, पहुँच गया सर। कतेक पैसा पहुँचीस? 2,16,000 सर। 2,16,000 रुपया आपके खाते में चल रही? हाँ जी सर। बहुत बहुत बधाई। आप भी बधाई सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जिन ऋण माफी की बात कह रही थी कांग्रेस पार्टी, वो सरकार 10 दिन के भीतर में कर दी। हाँ सर, सही बात है। आप लगा इसीलिए तो हम अपने गांव से तो रेट भी दिलवाए सर। वाह। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार ने किसानों के हित में व्यापक ऋण माफी योजना को अमल में लाने का साहसिक फैसला लिया। सरकार संभालने के साथ ही राज्य के 19 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा माफ कर दिया। सहकारी और ग्रामीण बैंकों के अलावा व्यावसायिक बैंकों से लिया गया कृषि ऋण भी माफ कर दिया गया। किसानों के नॉन परफॉर्मिंग खातों के वन टाइम सेटलमेंट करने का भी बड़ा निर्णय भूपेश सरकार ने लेते हुए किसानों से किए अपने वादों को पूरा किया। इससे राज्य सरकार पर 600 करोड़ रुपए का भार आया, लेकिन किसानों के चेहरे पर छाई खुशहाली ने तरक्की की एक नई दिशा भी दिखाई।
राज्य सरकार ने बकाया सिंचाई कर माफ करने का भी फैसला राज्य के किसानों के हित में लिया। लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। यह लगभग 15 वर्षों से किसानों पर लंबित था। कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक का 6100 करोड़ रुपए के आदेश जारी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, नेशनलाइज बैंक के जो लिमिट का आधार होता है, कई जगह कोऑपरेटिव बैंक प्रति एकड़ अगर 25,000 तक के कर्ज देती है तो जो अन्य बैंक है वो उसको सीमा बढ़ा के देती है। तो KCC नेशनलाइज बैंक के जो लिए हैं एज पर लिमिट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, उस कर्जे के बारे में भी जानकारी मंगाया गया है, उसको भी हम माफ करेंगे। ये सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ गया है। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए की कहावत को सार्थक करते हुए भूपेश सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों से किया अपना हर वादा पूरा किया। गरीब परिवारों को एक बार फिर से प्रति राशन कार्ड 35 रुपए किलो चावल देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रदेश में गरीबों को प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल देने की योजना प्रचलन में होने से खाद्यान्न सुरक्षा कानून की मंशा पूरी नहीं हो रही थी, लिहाजा सरकार ने प्रत्येक राशन कार्ड 35 रुपए किलो चावल तथा परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल देने की घोषणा की। घोषणा के क्रियान्वयन के लिए बजट में प्रावधान किया गया। गरीबी अमीरी की रेखा को दूर करते हुए भूपेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवारों के लिए राशन कार्ड शुरू करने का बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी 65 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाए जाने का बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए इसके क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 2018 को भारत सरकार को प्रेषित किया है। वर्तमान में 24 लाख मेट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा करने का भारत सरकार से सहमति हमारे पास है। इसको बढ़ाकर 32 लाख टन करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है। पिछली सरकार में छोटे भूखंड की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाते हुए मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों का ध्यान भूपेश सरकार ने रखा। तत्काल प्रभाव से 5 डेसिबल से कम भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटा दी गई, जिसकी वजह से 30,000 भूखंडों की खरीदी बिक्री हो सकी। भूपेश सरकार ने अपने एक अन्य फैसले में भूमिहीनों को पट्टा दिए जाने का बड़ा निर्णय लिया। 19 दिसंबर 2018 के पूर्व से कच्चे पक्के मकान बनाकर रहने वाले 1,39,730 परिवारों को 30 वर्षीय पट्टा देने का निर्णय लिया। 1994 से 2003 तक वितरित लेकिन रद्द पट्टों का भू स्वामित्व के साथ नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया। 65,750 परिवारों को आवास बनाने के लिए अधिकतम 2.29 लाख रुपए प्रति आवास की मदद देने का फैसला लिया गया। चिटफंड कंपनी की जालसाजी में राज्य के हजारों लोगों की जमा पूंजी लूटने वाली कंपनियों पर भी भूपेश सरकार ने सख्ती बरतने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों की जालसाजी पर सख्त कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया। चिटफंड कंपनी से प्रभावितों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। भूपेश सरकार ने चिटफंड कंपनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की राशि वापस करने हेतु लोहा कमीशन का लाभ दिलाने विकास खंड स्तर पर निःशुल्क सहायता शिविर आयोजित किया गया। बिजली बिल आधा किए जाने के अपने चुनावी वादे को भी भूपेश सरकार ने पूरा करते हुए राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी। 1 मार्च 2019 से इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। भूपेश सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर दिया। अब उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत तक प्रति यूनिट बिजली खपत पर 2.75 रुपए देय करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5.30 रुपए देने पड़ते थे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 950 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। ये देखिए, टाइम लिमिट इसलिए नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारे उसके विधिक कार्रवाई भी है, वो करने के बाद ही होगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, केवल एजेंटों की गिरफ्तारी हो रही थी। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जो जिला कैडर होता है, अधिसूचित हाँ, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में
उसमें इसके पहले राज्यपाल महोदय की ओर से आदेश पहले से ही प्रभावशील है, उसको 2 साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जो जिला कैडर है उसमें स्थानीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के लिए, तो उसको 2 साल बढ़ाना है। बाकी उसमें सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और कोरबा जिले को शामिल किया गया है। इसके अलावा लैंड डाइवर्सन को लेकर जो बहुत परेशानी आती है, छोटे छोटे भूखंडों को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो उसको सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश उसमें जारी किए गए हैं। युवाओं से किए गए वादों को निभाने में भी भूपेश सरकार पीछे नहीं रही। महज 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार ने हजारों पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। कॉलेजों में 1,345 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। कॉलेजों में 61 खेल अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। स्कूलों में 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 800 से अधिक नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया। बस्तर, सरगुजा और कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती हेतु 3 वर्षों की छूट दी गई। बस्तर तथा सरगुजा संभाग में कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। NMDC के नगरनार प्लांट में ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा में ही कराए जाने को लेकर NMDC को सहमत कराया। बेटियों से किए गए वादों को निभाते हुए भूपेश सरकार ने हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनाने का भी फैसला लिया है। बजट में इसकी घोषणा कर क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी नए रूप में शुरू किया गया है। इसमें दी जाने वाली अनुदान राशि की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया। लाइवलीहुड कॉलेजों में कन्या छात्रावास बनाने के साथ बालोद जिले में महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय भूपेश सरकार ने लिया है। बहरहाल हर वर्ग के हितों से जुड़े फैसले लेने वाली भूपेश सरकार से जनता की उम्मीदें पूरी हो रही हैं। हर वह वादा पूरा हो रहा है जिसके बूते जनता ने कांग्रेस सरकार पर भरोसा जताया था। आज वह भरोसा कायम होता नजर आ रहा है। अब जब भूपेश सरकार ने सत्ता में रहते हुए 6 महीने पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे मौके पर सरकार के हर फैसले के साथ जनता खड़ी होती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बस्तर के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के 10 गांव के आदिवासी किसानों से टाटा स्टील प्लांट के लिए तत्कालीन सरकार ने साल 2008 में जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी प्लांट नहीं लगने के बाद भूपेश सरकार ने उन जमीनों को आदिवासियों को लौटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। देश भर में यह पहला मामला रहा जहां उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस लौटाई गई। इस ऐतिहासिक फैसले से भूपेश सरकार ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। बस्तर के आदिवासी अरसे से अपनी उस जमीन को वापस पाने की बात जो रहे थे, जिसे तत्कालीन सरकार ने टाटा स्टील प्लांट लगाने के लिए 10 साल पहले अधिग्रहित किया था। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के 10 गांवों की 1,764 हेक्टेयर जमीन आदिवासी किसानों से अधिग्रहित की गई थी, लेकिन बाद में टाटा स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्लांट लगाने से अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भू अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को उनकी जमीन नहीं लौटाई गई। राज्य में सत्ता की कमान मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की जमीन लौटाने का बड़ा फैसला लिया। यह देश का पहला ऐसा फैसला था जहां उद्योग के लिए अधिग्रहित जमीनें किसानों को लौटाई गई। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने देश भर में जमकर सराहना बटोरी। सरकार ने वो जमीन छीन ली थी, आज उसी के नामी राहुल गांधी के द्वारा उन आदिवासी साथियों को पट्टा दिया जा रहा है। ये सुखद संयोग नहीं बल्कि जो संबंध इंदिराजी के साथ आपने साथ रहा है, जो स्नेह आदरणीय राजीव जी और सोनिया जी के साथ रहा है, वही तार आदिवासी भाइयों के साथ राहुल जी आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये इस बात में खुशी से करता है। अरे साथियों, मैं राहुल जी और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन इस बात से मुझे खुशी है राहुल जी ने
आदिवासियों के कल्याण से जुड़े कई बड़े निर्णय भूपेश सरकार ने एक के बाद एक लगातार लिए। सरकार गठन के बाद बीते 6 महीने में भूपेश सरकार ने आदिवासियों को न केवल उनका अधिकार दिलाया बल्कि उनका मान भी रखा राज्य की 32% आदिवासी आबादी सरकार के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। लोहांडी गोड़ा में जमीन वापस किए जाने के फैसले के बाद भूपेश सरकार ने आदिवासियों के रोजगार का भी ध्यान रखा। तेंदुपत्ता मजदूरी प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए किया, जो देश में सबसे अधिक है। 15 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने का निर्णय लिया। बस्तर में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन की घोषणा की गई, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी गई। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना खोले जाने की घोषणा की गई। नक्सल पीड़ित युवा बेरोजगारों को DMF मद से BEd की डिग्री पूर्ण होने पर रोजगार दिए जाने की भी घोषणा हुई। बस्तर तथा सरगुजा प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अध्यक्ष रहने की परंपरा को भी भूपेश सरकार ने बदला। उन्होंने स्थानीय विधायक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाने की नई परंपरा का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों को उनका मौलिक अधिकार देने के लिहाज से निरस्त वनाधिकार पट्टों की समीक्षा शुरू कराई। नक्सलवाद के नाम पर जेल की बेड़ियों में जिंदगी गुजार रहे निर्दोष आदिवासियों की सुध भूपेश सरकार ने ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित अंचलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की दिशा तय की। 5वीं अनुसूची के तहत जिलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती हेतु आगामी 3 वर्षों तक की छूट दी गई, जिसे बस्तर सरगुजा तथा कोरबा जिले में लागू किया गया आदिवासी अंचलों में नई पहल करते हुए भूपेश सरकार ने इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण के गठन का ऐलान किया। बस्तर के आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति से देश दुनिया परिचित हो सके, लिहाजा आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। भोपालपट्टनम में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा हुई। पिता की जाति के आधार पर बच्चे के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने की घोषणा हुई। तोंगपाल, गादीरास और जगरगुंडा को उप तहसील का दर्जा दिए जाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। पोलमपल्ली में मिनी स्टेडियम व इंतागुड़ा में नल जल योजना की स्वीकृति भी भूपेश सरकार ने दी है। इसके साथ साथ बस्तर के किसानों से हुई धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। छत्तीसगढ़ियों का जीवन संवारने के अपने वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा 4 गुना किए जाने, कानून में 6 संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर आदेश जारी करा दिया। सार्वजनिक उपक्रमों से लेकर निजी संस्थाओं तक सख्त हिदायत दी गई कि स्थानीय लोगों के हितों की कतई उपेक्षा न की जाए। भूपेश सरकार ने पुनर्वास नीति के अनुरूप प्रभावित परिवारों को रोजगार मुहैया कराए जाने के आदेश दिए हैं। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी सरकार की छवि गढ़ने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभावित परिवारों द्वारा अपने अधिकारों की मांग किए जाने पर किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किए जाने के साथ साथ प्रभावित लोगों के लोकतांत्रिक रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए प्रदर्शन पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस कराने के भी निर्देश दिए हैं। लोक सेवकों के हित में सुधार की दिशा में भी भूपेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। कर्मचारी कल्याण के लिए बीते 6 महीनों में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक रिस्पांस भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया। आपदा से निपटने वाले DRF के जवानों को मानदेय का 50% जोखिम भत्ता शुरू किया गया। वहीं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दुरुपयोग के मामलों की पुनः समीक्षा सरकार ने शुरू की। कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल में सुरक्षा देने और आवास सुविधा देने के लिए हर संभाग में एक आवास गृह बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य में न्याय व्यवस्था को भी स्थापित करने की दिशा में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। झीरम घाटी नक्सल हमले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है। वहीं विभिन्न विभागों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों को EOW से जांच शुरू कराई है। सांस्कृतिक विरासत को भी संजोने के लिहाज से राजिम कुंभ का नाम माघी पुन्नी करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। पत्रकारों की सुरक्षा भी भूपेश सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि प्रतिमाह 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। पत्रकारों को स्वयं या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की बीमारियों के इलाज हेतु दी जाने वाली न्यूनतम राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए और अधिकतम 50,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष पत्रकारिता भी सरकार की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। भूपेश सरकार ने महज 6 महीने में ही ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लेकर सरकार चलाने की अपनी दिशा से राज्य की जनता को अवगत करा दिया है। जनता की कसौटी पर सरकार 100% खरी उतरी है। जनता यह जानती है और यह मानती भी है कि जिन आशाओं के बूते लोकतंत्र की दी गई ताकत का उसने इस्तेमाल किया है वह उसे अब सकारात्मक नतीजे दे रही है। गढ़वो छत्तीसगढ़ का भूपेश सरकार का नारा वाकई सार्थक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। बस्तर के आदिवासी यकीनन देश के कई राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं के बीच अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। सत्ता में आए महज 6 महीने ही बीते हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी भूपेश सरकार की नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना के कायल हो गए। दरअसल यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि ग्रामीण अंचलों में रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बेहतर मॉडल भी है। विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का एक नारा खूब गूंजा, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा औबाड़ी। यह नारा असरकारक साबित हुआ। राज्य में कांग्रेस की सत्ता का पदार्पण यदि हुआ तो इसकी मजबूत पृष्ठभूमि में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की अहम भूमिका रही। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का यह नारा सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो गया है। भूपेश सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना शुरू की। आज आलम यह है कि राज्य के ग्रामीण अंचलों में किसान इस योजना को तकदीर बदलने वाली योजना करार दे रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि देश में किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ठोस पहल की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ इस मामले में देश को रास्ता दिखा सकता है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका कब से असर दिखना शुरू हो जाएगा? अभी आपके पत्रकार को मैं कल ही ले गया था, उसके गांव में हुआ है। अभी हम लोगों ने इसको चिन्हित किया, 15% जो पंचायत है उसमें हम काम शुरू करेंगे और लगभग 300 जो गौठान है उसका निर्माण भी हो चुका है और ये जो बारिश लग गया है, जैसे फसल बुआई होगी सारे जानवर गौठान में आने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ अगले महीने उसका असर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर कहते हैं कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, स्थानीय संसाधनों को विकसित करने और व्यापक तौर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, गिरता भूजल स्तर, पशुधन संवर्धन, जैविक खेती जैसे विषय आज वैश्विक चिंता के कारक बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में हमने विभिन्न समस्याओं के एक समाधान के रूप में नवाचार किया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में नरवा का अर्थ है प्राकृतिक नाले, गरवा का अर्थ है पशुधन, घुरवा का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थों का भंडार और बाड़ी का अर्थ है छोटी बागवानी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हम भूजल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नाले में बहते पानी को रोकेंगे, गाय तथा गौवंशीय पशुधन को बचाएंगे तथा इनका किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही गोबर तथा अन्य जैविक ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थों से
कंपोस्ट खाद का निर्माण एवं बाड़ी अर्थात हर किसान तथा ग्रामीण के यहाँ छोटे बगीचों का विकास करेंगे। बघेल ने कहा कि गांव की समृद्धि की पहचान गायों से है। मवेशियों के होने से ही फसल उत्पादन में वृद्धि संभव है। गोठान में गायों के रहने से खेत में लगी फसल सुरक्षित